और आज मैं साउथ और बॉलीवुड का और एक रीजनल एक्टर का अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, और जिसमें आज शामिल है मेगा पार्स्टर रामचरण, विशाल, किचा सुदीप, शाहिद कपूर, आसिफ अली और जी सुशेन गुप्ता का अपकमिंग फिल्म है। ये वीडियो सुशेन तक जरूर देखेगा और एक लाइक भी करेगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, मेगा पावर स्टार रामचरण। और यहाँ पर टॉलीवुड में एक राज करने वाला नाम है रामचरण, और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ उसमें शामिल है ट्रिपल आर, और जो एक पैन इंडियन अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा और एक ऐसे अपकमिंग फिल्म है जहाँ पर रिसेंट टाइम का टॉलीवुड का दो बड़े बड़े सुपरस्टारों को एक साथ फाइटिंग और दोस्ती करते हुए नजर आएंगे। और बाहुबली की तरह और एक फिल्म आ रही है पूरी इंडिया में हिस्ट्री मेकिंग करने के लिए, जहाँ पर इसमें रामचरण को अल्लूरी सीताराम राजू, दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर को कोमारम भीम के रोल में नजर आएंगे। और जहाँ पर राम ने ब्रिटिश राज और जूनियर एनटीआर ने निजम के अगेंस्ट में करने वाले हैं फाइटिंग। और ऑलरेडी इस फिल्म का सारी शूटिंग कंप्लीट हो चुके हैं और अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रही है, और काफ़ी जल्दी ही इस फिल्म का रिलीज डेट का अनाउंसमेंट आ जाएगा। और ये फिल्म रिलीज होगा 2022 में, काफ़ी मैसिव हुए से। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है आचार्य, जो एक अपकमिंग तेलुगु सोशल ड्रामा फिल्म होगा, जहाँ पर मेगास्टर चिरंजीवी और काजल अग्रवाल को लीड रोल में, दूसरी तरफ रामचरण और पूजा हेगड़े को एक स्पेशल एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस पे नजर आएंगे। और ऑलरेडी राम और मेगास्टर का कुछ ग्लिम्स नजर आई है, और जहाँ पर दोनों का कॉम्बो अपीयरेंस फैंस को काफी एक्साइटेड किया है। और बता दोस्तों, रामचरण इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही है अपनी कोनीडेला प्रोडक्शन कंपनी के अंडर में, और अभी रूमर के मुताबिक हो सकते तो ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगा, यानी कि पुष्पा के साथ क्लैश, ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद रामचरण का नेक्स्ट फिल्म है RC-15, और जहाँ पर यह होगा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ होगा रामचरण, दूसरी तरफ होगा कॉलीवुड का नंबर वन डायरेक्टर AS शंकर, और यह होगा पैन इंडियन प्रोजेक्ट, और जिस फिल्म को काफ़ी लैविश स्किल से बनाया जाएगा। और इसे पैन इंडियन फिल्म को तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया जाएगा, और इसमें रामचरण के अपोजिट में कियर अडवाणी को नजर आएंगे। और बता दोस्तों, जिसका शूटिंग स्टार्ट होगा सितंबर मंथ से, और इसमें रामचरण ने एक ऐसे रोल प्ले करने वाले हैं जिन्होंने कॉप टर्न्ड पॉलिटिशियन होगा, यानी कि उन्होंने सोसाइटी का सारे करप्शन के अगेंस्ट में करने वाले हैं फाइटिंग। और इसके बाद रामचरण का फिल्म है ग्रेटर गौतम तिन्ना नूरी के साथ, और जहाँ पर ऑलरेडी रामचरण ने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए यूवी क्रिएशन के अंडर में साइन कर चुके हैं, और उन्होंने कैसे डायरेक्टर के साथ मीटिंग भी किया है, और जिसमें एक डायरेक्टर है गौतम, जिन्होंने इससे पहले जैसे जैसे फिल्में दे चुके हैं। और ऑलरेडी इस डायरेक्टर ने रामचरण को स्क्रिप्ट नाइट किया है, और काफ़ी जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट आ सकते हैं। नंबर टू, विशाल। और कॉलीवुड का ब्लैक डायमंड है विशाल, और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ उसमें शामिल है एनिमी, जो एक अपकमिंग थ्रिलर एक्शन फिल्म है, और इसमें दोनों रियल लाइफ फ्रेंड यानी कि आर्या और विशाल दोनों को एक साथ नजर आएंगे। और जहाँ पर इसमें आर्या ने प्ले करने वाले है एक ड्रेडेड विलेन, और विशाल को इसमें हीरो के रूप में नजर आएंगे। और जो फिल्म रिलीज होगा तमिल और तेलुगु भाषा में, और ऑलरेडी इस फिल्म का फर्स्ट गाना पटाला रिलीज हुआ है, एनिमी का शूटिंग हो चुके है कम्प्लीट, और काफी जल्दी ही पोस्ट प्रोडक्शन का काम खत्म होने के बाद इस फिल्म का ऑफिशियल रिलीज डेट आ जाएगा। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है तुप्पड़ी वालन 2। ये अपकमिंग स्पाई डिटेक्टिव फिल्म है, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट का डायरेक्टर रहा माई स्किन, पर इस बार डायरेक्टर के साथ फिल्म का बजट को लेकर डिसएग्रीमेंट होने की वजह से अभी सीक्वल को डायरेक्ट कर रही है खुद विशाल ने, और इसमें उनको लीड एक्टर यानी कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव के रोल में नजरेंगे, और साथ में होगा प्रसन्ना और आयशा, और जिसका शूटिंग स्टार्ट होगा January 2022 से। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है वीरा में वागाई सोदूम, और विशाल की पार्टी के मौके पर उनका इस फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ है रिवील्ड, और जो तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगा, और जिसका फर्स्ट लुक पोस्टर रहा काफी इंटेंस। नंबर थ्री, किचा सुदीप। और सैंडलवुड का बादशाह है सुदीप, और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करो उसमें शामिल है कोटे गुब्बा 3, और जब इसमें सुदीप के साथ मैडोना और आफ्ताब शिव दसाना के लीड रोल में जाएंगे, और जिसका सैटेलाइट डिजिटल और हिंदी डबिंग राइट्स ऑलरेडी खूपिंग अमाउंट 30 करोड़ में सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि ये फिल्म काफ़ी हाइप वाला एक अपकमिंग फिल्म बन चुकी है। और इसे पैन इंडियन प्रोजेक्ट को काफ़ी ग्रैंड वे से 14 अक्टूबर रिलीज कर दिया जाएगा।
और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है विक्रांत रोना, और ऑलरेडी जिसका हाइप है एक हाई लेवल तक। हाँ दोस्तों, और इसमें सुदीप के साथ नीरू भंडारी श्रद्धा लीड रोल में जाएंगे और साथ में जैकलिन को एक स्पेशल नंबर पर नजाएंगे। और इसमें सुदीप ने प्ले करने वाले हैं एजेंट विक्रांत रोना का रोल। इसका स्टोरी एक एक्सीडेंटल ट्रेजर हंटिंग पर बेस्ड होगा, और सितंबर 2 पर विक्रांत रोना का एक ग्लिम्स द डेड मैंस एंथम होगा रिलीज। सीरियसली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाले हैं, और ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड पर रिकॉर्ड, और इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था बुर्ज खलीफा पर। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है कब्जा, जो एक एक्शन एडवेंचर वॉर फिल्म होगा, जहाँ पर रियलिस्टर उपेंद्र को गैंगस्टर और दूसरी तरफ सुदीप को एक इम्पॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे, और जो फिल्म रिलीज होगा टोटल 7 डिफरेंट लैंग्वेज पर। नंबर 4 शहीद कपूर। यंग जशन के बीच में मोस्ट पॉपुलर है शहीद, और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें उसमें शामिल है जर्सी रिमेक, जो एक अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगा, और इसमें शहीद के साथ मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर को लीड रोल में नजाएंगे, और इसमें शाहिद को एक फेलियर पर टैलेंटेड क्रिकेटर के रोल में नजाएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि 2019 का तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म जर्सी का हिंदी रिमेक होगा, और शाहिद का फैंस इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है डायरेक्टर अली अब्बास जाफर के साथ। हाँ दोस्तों, यानी कि टाइगर 3 डायरेक्टर के साथ शाहिद अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अपकमिंग थ्रिलर स्टोरी फिल्म होगा, जिसका स्टोरी सिर्फ एक रात पर बेस्ड है, और काफ़ी जल्दी ही इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकते हैं। नंबर 5 जीशु सेनगुप्ता। और जहाँ पर कोलकाता बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी टैलेंटेड एक्टर है जीशु, और सिर्फ उन्होंने अभी बंगाली नहीं बल्कि पूरी इंडिया में डिफरेंट कैरेक्टर में काम करी है। उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ वो है माइस्ट्रो, जो बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर फिल्म अंधाधुन का तेलुगु रिमेक है, और इसमें नितिन तमन्ना नभाना तेज लीड रोल में जाएंगे, और इसमें जीशु को एक पुलिस बलात्कार में दिखाया जाएगा। और जो फिल्म रिलीज होगा डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 सितंबर 2021 में। और इसके बाद शामिल है उनका नेक्स्ट फिल्म श्याम सिंहा रॉय, जो एक अपकमिंग सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, और इसमें नेचुरल स्टनानी को एक डिटेक्टिव मैन, दूसरी तरफ जीशु को एक ड्रेडेड विलेन के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है अंतिम द फाइनल ट्रूथ, और जहाँ पर आयुष शर्मा को मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और एक कॉप के रोल में सलमान खान, और दूसरी तरफ एक इम्पॉर्टेंट रोल में जीशु सेनगुप्ता को नजर आएंगे। नंबर 6 आसिफ अली। और मॉलीवुड का काफ़ी यंग टैलेंटेड एक्टर है आसिफ अली, और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है कुंजल धोप, जो एक अपकमिंग कैंपस फिल्म है, और इसमें आसिफ को एक कॉलेज स्टूडेंट के रोल में नजर आएंगे। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है कुथ, जो एक पॉलिटिकल अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है, जहाँ पर आसिफ अली के साथ निखिला विमान लीड रोल में नजर आएंगे, और इसकी स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। और इसके बाद उनका नेक्स्ट फिल्म है कुत्ता बूम शिक्षा, जो एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है, और इसकी स्टोरी एक रॉबरी केस पर बेस्ड है। दोस्तों ये रहा मेगा पास्टर रामचरण, विशाल, कीचा सुदीप, शहीद कपूर, आसिफ अली और जीशु सेनगुप्ता का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। और सभी बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेंशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।